हाय, स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। आज हम बनाएंगे एक पारंपरिक कोंकणी डिश जिसे बनाते हैं फेस्टिवल के टाइम पे और कहते हैं पुलिकोडिल। इस डिश में हम जूसी पेठे को पकाते हैं नारियल के साथ और उसकी फ्लेवर्स भी इन्फ्यूज करते हैं। यह है तीखा, खट्टा और कड़वा स्वाद में। और ये डिश है बहुत ही हेल्दी क्योंकि पेठा बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए और खास करके उनके लिए जिन्हें होता है डायबिटीज। आइए देखते हैं क्या चाहिए बनाने के लिए पुलिकोडिल। इसके लिए मेरे पास है कटा हुआ पेठा, एक कप कसा हुआ नारियल, दो चम्मच कच्चा चावल, दो चम्मच गुड़, थोड़ी इमली, थोड़ी हींग, थोड़ी राय, मेथी, जीरा, काले तिल, धनिया दाने, नमक, हल्दी, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ते और तेल पकाने के लिए पैन में पानी जो गर्म हो रहा है। इसमें मैं डालूंगी कटा हुआ पेठा जिसके बीज निकालकर काटा है मैंने। तब तक मैं एक और पैन गरम करूंगी और तैयार कर लूंगी मैं मेरा मसाला। मैं गरम कर लूंगी तेल को पैन में और भून लेंगे मसालों को एक के बाद एक। डालूंगी पहले जीरा, डालूंगी इसमें फेनुग्रिक या मेथी, अब डालूंगी राई के दाने, अब डालूंगी तिल, धनिया, कच्चा चावल, थोड़ी सी हल्दी, अब मैं इसमें डालूंगी इमली का पेस्ट, अब इसमें डालूंगी गुड़ और नारियल। अब डालूंगी सूखी लाल मिर्च और हम पका लेंगे इसे पैन में, भून लेंगे जब तक कि नारियल का हो जाए हल्का ब्राउन कलर। जिस तरीके का आपको खट्टा पसंद है उस हिसाब से आप इमली का प्रमाण घटा या बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही खट्टा बनना चाहिए इसलिए आप डाल सकते हैं ज्यादा इमली। ध्यान रहे कि ये जल ना जाए। कॉन्स्टेंटली इसको देखते रहिए और इस पे वॉच रखिए। नारियल बहुत ही जायकेदार हो गया है और मुझे ये खुशबू नारियल की बहुत अच्छी लगती है। नारियल अब अच्छे से भुन चुका है। आप देख रहे हैं कि ये हल्का ब्राउन भी हो गया है। इस पॉइंट पे मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और फिर मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। आइए लेते हैं ये पेस्ट और डालते हैं इसे पेठे में जो कि उबल रहा है। हम इस पेठे को पकने देंगे इस मसाले में लगभग 10 से 15 मिनटों के लिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मसाले की फ्लेवर पेठे में अच्छे से घुल जाए। पेठा पक चुका है 15 मिनटों के लिए। अब मैं इसे यहाँ रख के तड़का तैयार कर लूंगी। मैं गरम कर लूंगी तड़का पैन को, डालूंगी इसमें थोड़ा तेल, अब इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ते और थोड़ी हींग, और इसे और गरम करूंगी। अब मैं ये तड़का डालूंगी इस करी में। मैं डाल रही हूं ये तड़का यहां पे और अच्छे से मिला लूंगी। और यहां पे तैयार है। आपको बहुत अच्छी लगेगी ये पेठे की करी क्योंकि यह जूसी, खट्टी और तीखी भी। ये डिश आप अपने घर पे जरूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे सर्व करके खाइएगा गरम चावल के साथ।